जी। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। हम सोच भी नहीं सकते तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, जैसे बहुत अरसे के बाद किसी अपने को देखा। आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ आंटी। हम एक दूसरे के लिए अपने ही थे, लेकिन अफसोस मुस्तजाब को ना किसी को अपनाना आया ना अपना बनाना आया। और हमें क्या अपनाएगा वो, खुद एक तखलीक होकर अपने खालिक को ना पहचान सका। जिसे ये ना पता हो कि उसे किसने पैदा किया है, उसे ये कैसे पता होगा कि उसे किस मकसद के लिए पैदा किया है। आपको क्या लगता है आंटी, मुस्तजाब कभी सीधे और सच्चे रास्ते पर चल सकता है? Why not? क्या खुदा सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा तुम्हें अपने घर देख के। दया, क्या हुआ? पहले मेरा ईमान कबूल नहीं, मेरा अकीदा कबूल नहीं आया, अब मेरा हाथ मिलाना भी। तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवा। तुम्हारी बहन की अमानत। मैं उसे किसी गलत इरादे से नहीं लेके गया था, सिर्फ अपने मुताले कुछ ख्याल तब्दील करना चाहता। तुम्हारे मुताले दुआ के जो भी ख्याल हैं उसकी परवाह करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उससे जाओ, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रही है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या ख्याल आते हैं, उसको जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब अगर तुम सीधे और सच्चे रास्ते पर चल ही पड़े हो तो अपने रब की रजा की परवाह करो, शायद ईमान की दौलत मिल जाए। अगर वो एक नए रास्ते पर चल ही रही है तो मैं भी तो एक नए रास्ते का मुसाफिर हूं भाई। क्या ही हर्ज है क्या अगर हम दोनों एक दफा फिर से हम सफर बन जाए। हर ताल्लुक को रिकॉल करने का एक खास वक्त होता है मुस्तजाब। दुआ तो बहुत कमजोर सी इंसान है। फिरौन ने बीच समंदर में खड़े होकर खुदा को पुकारा था, ना खुदा मिला ना ईमान की दौलत। वक्त जो गुजर गया था ना,